हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मोटिव। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हील अलाइनमेंट कैसे होती है। मैंने व्हील बैलेंसिंग करा ली है जब मैंने टायर आगे के चेंज करा थे, पर उस वक्त मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं व्हील अलाइनमेंट कराऊं, इसलिए आज हम महिंद्रा की फर्स्ट चार्ज में आए हैं और व्हील अलाइनमेंट कराएंगे। और मैं पहले बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी आने का इंतज़ार हो रहा है जहाँ पर व्हील अलाइनमेंट होती है। और यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं, एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है व्हील अलाइनमेंट करने का। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले गाड़ी को लेके आ रहे हैं और ये गाड़ी हमारी आ रही है और एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है गाड़ी को खड़ा करने का। जैसे आप देख सकते हैं स्क्वायर करके एक मेटल फ्रेम वहाँ पे रखा गया है, तो उस गाड़ी पे आपके दोनों को फ्रंट जो टायर है वो आपके वहाँ चढ़नी चाहिए, तभी काम बनता है, ठीक है। और ये सब होने के बाद यहाँ पे सेंसर लगा दिए गए चारों चक्कों में, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अभी ये सब सेंसर आने के वजह से काम इतने ज़्यादा आसान हो गया कि पहले मैन्युअली मैकेनिक करते थे फिर भी ठीक से नहीं हो पाता था, 19-20 का फ़र्क रह ही जाता था, लेकिन अभी कंप्यूटर और सेंसर वगैरह से आपको इंच इंच का भी एकदम हिसाब कंप्यूटर में दिख जाता है, तो एकदम प्रॉपर हो जाता है। और यहाँ पर भैया कंप्यूटर अपने रिफ्रेश कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और सॉरी थोड़ी आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि और भी गाड़ियों का यहाँ काम हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब चेक किए जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ व्हील अलाइनमेंट एकदम बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर 10,000 पे हर गाड़ी का करवा लेना चाहिए, 10 या 15,000 या 20,000 के अंदर करवा ही लेना चाहिए एक बार ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये व्हील अलाइनमेंट आपकी गाड़ी की बैलेंस चलने का। वो एक तरफ भागने लगती है अगर अलाइनमेंट आउट होता है, तो टायर घसने लगते हैं, सस्पेंशन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है व्हील अलाइनमेंट की वजह से। और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है व्हील अलाइनमेंट करते समय कि आपके ब्रेक गाड़ी के लॉक हो, स्टीयरिंग एक सर्टेन पोजीशन पा के लॉक कर दी जाती है जैसे कि आपने देखा। और यहाँ पे जैसे आप कंप्यूटर में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें मतलब आउट है वो आपको वहाँ पर रेड दिखा रही हैं। तो यहाँ पर भैया अंदर गाड़ी के जा रहे हैं और अंदर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ना ही करीब जा पा रहे थे क्योंकि वो कैमरा और सेंसर के बीच में आ जाता था तो एरर दिखाने लगता था, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, भैया मना कर रहे थे करीब मत आइए। और यहाँ पर देख सकते हैं टोई आर और टोई लेफ्ट देख सकते हैं, आर मतलब राइट व्हील और लेफ्ट मतलब लेफ्ट व्हील आगे के, वो कितने ज़्यादा आउट है टोटल वो आपको सब स्क्रीन पे शो करें। और नीचे मैं ढंग से भी नहीं दिखा पाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अंदर जगह ही नहीं थी जाने की। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 19 का ऐसा करके कुछ है नंबरिंग करके, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेंटरिंग हो रही है तो देखो कैसे प्लस माइनस वो सेंटरिंग आ रही है, वो एकदम परफेक्ट भैया कर रहे हैं। तो यही फ़ायदा होता है आप अगर एक अच्छी जगह कराते हैं तो एकदम ऑथराइज, क्योंकि अब मैनुअली करने का ज़माना है भी नहीं, कहीं होता भी नहीं अभी, ठीक है। तो सब प्रेफर करते हैं कि आप जाके वहीं से करा लीजिए जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह लगे रहते हैं, क्योंकि अभी मतलब एडवांस हो गया तो सब चीज़ अच्छी तरीके से होनी चाहिए। देख रहे हो आप इसमें इंच इंच का भी एक मतलब एक कोना का भी फ़र्क रहेगा ना तो पता चल जाएगा। और मैंने नए टायर लगाए थे तो वो भी थोड़े घसने लगे थे, मुझे पता चल गया कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी एक तरफ भाग रही, इसलिए मैंने व्हील अलाइनमेंट कराया। और देखो मतलब मेरा अंदाज़ा सही था कि गाड़ी मेरी आउट है व्हील अलाइनमेंट की वजह से, तो यहाँ पर सब चीज़ आउट थी। और यहाँ पे प्रोसेस हो गया तो मैं आपको एंड में दिखाता हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा दिखा नहीं सकते हैं खड़े होके। और एंड रिज़ल्ट आ चुका है, हमारी व्हील अलाइनमेंट रिपोर्ट आ चुकी है। और पहले क्या था आफ्टर क्या, ये आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। पूरी अच्छी तरह से सब है तो नहीं दिखा पाई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।